A History of Computer and Generation of Computers. फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। शुरुआती कंप्यूटर एक बड़े कमरे के आकार के होते थे। वर्तमान में कंप्यूटर आपके हाथ में है, जिसे मोबाइल कहते हैं। कंप्यूटर को वर्तमान स्वरूप में आने के लिए कई जनरेशन से गुजरना पड़ा। तो आइए कंप्यूटर का इतिहास और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया ये जानते हैं। स्टूडेंट्स, जो पुराने ज़माने में कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो काफ़ी बड़े आकार के होते थे, और आज के ज़माने में जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल छोटे हो चुके हैं। जैसे कि हम अपना मोबाइल बोल सकते हैं, नोटपैड बोल सकते हैं, लैपटॉप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द के अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है। प्राइमरी कंप्यूटर, या यह कहिए कि दुनिया का प्रथम कंप्यूटर ईनेक था। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को ईयर 1946 में लाया गया था, लॉन्च किया गया था। इस प्राइमरी कंप्यूटर से पहले की बात करें तो गणना के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं थी। मतलब 1946 से पहले हमारे पास कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं थी जिससे कि हम कैलकुलेशन कर सकें। प्राचीन समय में गणना करने के लिए अवेकस नामक एक उपकरण का उपयोग किया जाता था। अवेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। यह एक आयताकार फ्रेम था जिसमें छड़ें थीं और इन पर मोतियों को लगाया गया था। इन्हीं मोतियों की सहायता से उस टाइम पर कैलकुलेशन किया जाता था। कंप्यूटर में जिस मशीनी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसका आधार है जीरो और वन। मतलब जो हमारा कंप्यूटर में मशीनी भाषाएं डाली जाती हैं और जो जिन मशीनी भाषाओं का उपयोग किया जाता है वो होते हैं जीरो वन। मतलब इनको बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। कंप्यूटर जो है वो जीरो और वन की ही लैंग्वेज को समझता है। प्रथम कंप्यूटर में इसी कोडिंग का उपयोग किया गया था। प्रथम कंप्यूटर के बनने से लेकर आज के आधुनिक कंप्यूटर के आने तक कंप्यूटर ने काफ़ी विकास किया है। आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत पास्कलाइन से मानी जाती है। इसे ब्लेज पास्कल नामक एक गणितज्ञ ने बनाया था। यह एक तरह का यांत्रिक कैलकुलेटर, मतलब पास्कलाइन पास्कल ब्लेज पास्कल जो थे उन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया था। नेक्स्ट, हमारा कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया है, जिनको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। संसार के पहले इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया था जो गणितीय गणना करने में सक्षम था। मतलब इन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया था जो कैलकुलेशन करने में सक्षम था। इसे डिफरेंशियल इंजन भी कहा गया। चार्ल्स बेबेज एक ब्रिटिश गणित प्रोसेसर थे जिनको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं कंप्यूटर की जनरेशन पर। ये है कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन जो 1946 to 1956 तक रही। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में एक बड़े कमरे के बराबर होते थे। इस कंप्यूटर के मुख्य उपकरण वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम थे। मतलब इस कंप्यूटर में जो मुख्य उपकरण बोले या टूल्स बोले वो थे वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। यह कंप्यूटर ऊष्मा का अधिक उत्सर्जन करता था, मतलब इसमें बहुत सारी बिजली लगती थी, इसलिए इस कंप्यूटर को कूलिंग की ज़्यादा आवश्यकता थी और रखरखाव पर अधिक खर्चा होता था। इस कंप्यूटर में मशीनी भाषा जीरो और वन का उपयोग किया गया था। यह एक साधारण गणितीय गणना करने वाला इंटीग्रेटेड डिवाइस थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी। इस पीढ़ी का पहला कंप्यूटर ईनेक था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे वो थे वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम, और ये बहुत ही नाजुक हुआ करते थे और इनमें बहुत सारे एसी का प्रयोग किया जाता था। और लास्ट वाले मशीनी तथा असेंबली भाषाओं का प्रयोग इसमें किया जाता था। सेकेंड है हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यह 1956 to 1964 तक थी। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बाद 1956 में कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन की शुरुआत हुई। इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया गया। मतलब फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब था जिनको रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर लाए गए। विलियम शॉकले नाम के एक आविष्कारक थे जिन्होंने 1946 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया।
ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब के अपेक्षाकृत अधिक गति एवं विश्वसनीयता प्रदान की। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के आकार में भी सुधार आया और इनका साइज भी थोड़ा सा कम हो गया। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर, और साइज में इनके कमी आई, बिजली का थोड़ा सा कम उपयोग होने लगा। और इनकी स्पीड भी बढ़ गई, और मतलब फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा ये थोड़े से खर्चे में भी इनमें कमी आई। और फोर्थ वन है कोबोल एवं फोर्टेन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। मतलब कोबोल और फोर्टेन जैसी जो लैंग्वेजेस थी वो इसी जनरेशन में आई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड। ये होते थे हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जो थोड़े से आकार में छोटे हो गए थे। नेक्स्ट हमारा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1946 में हुई। कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, यह कंप्यूटर 1965 टू 1971 तक रहे। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हुई और इन्हें लॉन्च किया गया 1965 में। इस पीढ़ी ने कंप्यूटर को आईसी प्रदान किया। आईसी अर्थात एकीकृत सर्किट, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक अभियंता जैक किल्वी ने किया था। इस जनरेशन के जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर थे वो थे आईसीएल 2903, आईसीएल 1900, यूनिवेक 1108 एंड सिस्टम 1360। ये इसके इम्पोर्टेंट कंप्यूटर हुआ करते थे। तो थर्ड जनरेशन के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे वो थे इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ियों की अपेक्षा आकार एवं वजन में कम खपत, मतलब ये थोड़े से आकार में और छोटे हो गए, अधिक विश्वसनीय, पोर्टेबल एवं आसान में रखरखाव, इनका रखरखाव भी थोड़ा सा इजी हो गया, और इसमें उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग किया गया। मतलब और जो बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस थी वो थर्ड जनरेशन में इनका उपयोग किया गया। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो थी वो आई 1971 टू 1985। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत सन 1971 में हुई। सन 1971 से लेकर 1985 तक के कंप्यूटर को चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया। इस जनरेशन में आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट को और अधिक विकसित किया गया। एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगभग 300,000 ट्रांजिस्टर्स के बराबर कार्य करता था। मतलब जो एक छोटी सी चिप हुआ करती थी वो 300,000 ट्रांजिस्टर के बराबर कार्य करती थी, और इस छोटी सी चिप को कहा जाता था माइक्रो प्रोसेसर। अटायर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था जिसे मिट्स नामक कंपनी ने बनाया था। इस कंप्यूटर पर बिल गेट्स, जो उस समय हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे, बेसिक भाषा को स्थापित किया गया। इस सफल प्रयास के बाद गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की, जो दुनिया में सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। बिल गेट्स को कंप्यूटर का स्वामी भी कहा जाता है, ऑनर ऑफ कंप्यूटर बिल गेट्स को कहा जाता है। चतुर्थ पीढ़ी के आने से कंप्यूटर के युग में एक नई क्रांति आई। इन कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया और मेमोरी बहुत अधिक बढ़ गई। आकार छोटा होने से इन कंप्यूटर का रखरखाव बहुत आसान हो गया। इसी कारण इनकी कीमत इतनी कम हो गई कि आम जनता कंप्यूटर को आसानी से खरीद सकती थी। इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब जो हमारा आईसी चिप है उसको काफी बड़ा कर दिया गया और बड़ा कर दिया गया और साइज में बहुत छोटा कर दिया गया, और कंप्यूटर की जो साइज थी वो भी कम हो गई, और जो नॉर्मल पीपल है वो भी इसको खरीद सकते थे। इसकी मेमोरी में अधिक विकास किया गया और हम अपना डेटा बहुत सारा इसमें स्टोर करने लगे। कंप्यूटरों के विभिन्न नेटवर्क, इसी टाइम पर कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क के विकास किया गया। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ जनरेशन, जो कि 1985 से अभी तक चल ही रही है। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत 1985 से हुई। 1985 से अब तक के कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो अभी के कंप्यूटर आए हैं वो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। मतलब ये कंप्यूटर जो जनरेशन चल रही है वो कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन है। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में वर्तमान के शक्तिशाली उच्च तकनीकी वाले कंप्यूटर से लेकर भविष्य में आने वाले कंप्यूटर तक
को शामिल किया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समाहित करने के लिए प्रयासरत हैं। आज के कंप्यूटर इतने उन्नत हैं कि वे हर विशिष्ट क्षेत्र मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, अंतरिक्ष तथा दूसरे प्रकार के शोध कार्य में उपयोग किए जाने लगे। मतलब आज के जो कंप्यूटर हैं उनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है एजुकेशन में, अकाउंटिंग में, बैंकिंग में, इंजीनियरिंग में, इन सारे क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। इस पीढ़ी के प्रारंभ में कंप्यूटर का परस्पर संयोजित किया गया ताकि डेटा एवं सूचना को आपस में साझेदारी तथा आदान प्रदान हो सके। नए इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को प्रतिस्थापित करना शुरू किया गया। इस पीढ़ी में प्रतिदिन कंप्यूटर के आकार को घटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप हम घड़ी के आकार में भी कंप्यूटर को देख सकते हैं। मतलब आज की जनरेशन में कंप्यूटर को इतना ज़्यादा विकसित किया जा रहा है कि उसको छोटे से छोटा रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स, इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो कंप्यूटर के विभिन्न आकार, डिफरेंट साइज ऑफ कंप्यूटर। आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर के आकार और संरचना को तैयार किया जाता है। आज विभिन्न मॉडलों, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप आदि कंप्यूटर उपलब्ध है। डेस्कटॉप होता है जो हमारे कंप्यूटर होते हैं आईटी लैब में, लैपटॉप होते हैं जो कि जिन्हें हम अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हैं, ट्रेवल कर रहे हो या कहीं भी जाना हो तो हम लैपटॉप को अपने साथ लेके जाते हैं। पाम टॉप होते हैं एकदम छोटे से होते हैं जिन्हें हम अपने हाथ में लेकर के घूम सकते हैं। इंटरनेट, सेकंड है इंटरनेट। यह कंप्यूटर का एक अंतरराष्ट्रीय संजाल है। दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े होते हैं और इस तरह हम कहीं भी बैठे, घर बैठे अपने स्वास्थ्य, चिकित्सा, विज्ञान, कला एवं संस्कृति आदि लगभग सभी भाषाओं पर विविध सामग्री इंटरनेट पर प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं इंटरनेट का कितना यूज होने लगा है आजकल, हॉस्पिटल में, इंजीनियरिंग में, हर क्षेत्र में, पढ़ाई में। आप ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं जिसलिए आपको इंटरनेट की जरूरत होती है। मल्टीमीडिया, साउंड, ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट, इन सबको मल्टीमीडिया बोला जाता है, जो कि आज की जनरेशन के कंप्यूटर में ये सारी चीजें होती हैं। न्यू एप्लीकेशंस, कंप्यूटर की तकनीकी अति विकसित होने के कारण इसके अनुप्रयोगों फिल्म निर्माण, यातायात नियंत्रण, उद्योग, व्यापार एवं शोध के क्षेत्र में नए नए एप्लीकेशंस जनरेट हो रहे हैं जो कि आज के कंप्यूटर में दिए जाते हैं। ये है हमारे जनरेशन, 1st जनरेशन में आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर कितने बड़े होते थे, मतलब एक कमरे के बराबर होते थे, जिनमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था और मैग्नेटिक ड्रम का स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट है हमारा 2nd जनरेशन में कंप्यूटर का आकार थोड़ा सा छोटा कर दिया गया, जिसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। थर्ड था हमारा, 3rd जनरेशन जो थी उसमें कंप्यूटर का आकार थोड़ा सा और छोटा हो गया, इसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाने लगा। देन 4th जनरेशन में और थोड़ा सा आकार छोटा गया, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट को और ज़्यादा विकसित किया गया। देन लास्ट है हमारा 5th जनरेशन जो कि अभी तक चल रही है, इसमें बहुत सारे विकास किए जा रहे हैं और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं।